दोस्तों जब पाइप आपसे गिरता है ना तो आपको नर्वस नहीं होना वहाँ पे। कंट्रोल कर दोस्तों, ये चार से पाँच चार दस क्लियर करने वाले हैं। देखिए आज क्या हो रहा है ना, नर्वस क्यों आ रहे हैं, देखिए इसी को सिखाना है आपको, यही सीखना है। जैसे चार क्लियर करते हैं सर, वीडियो में डाला हूँ, यही इसी चीज़ को हम क्लियर करवा रहे हैं, इसी चीज़ को डर यहाँ से भगाना है लोगों, ये सब क्लियर करते हैं। चार आज चार लड़के तो चार पाँच फिर मारते हैं आज ही मैं वो देख क्लियर है। आज ही मैं वीडियो डाला हूँ पाँच फिट का, और देखिएगा शॉट डाला हूँ, आइए अभी देखिए क्लियर है। छोटी छोटी गलतियाँ जो सबको नहीं करना है, ठीक है। पहली गलती क्या नहीं करना है आपको, सिंगल सिंगल ही प्रैक्टिस करना है। ये 1600 मीटर जो आपको गर्दनी बाग बिहार फायरमैन का हो रहा है, बिहार पुलिस फायरमैन का, तो आप कह रंजित बाबू अरे बच्चा अरे सिंगल सिंगल भागना है, ठीक है। अभी प्रैक्टिस में ये डालना है आपको। आप ना कहीं भी तैयारी करते हो, ग्रुप में तैयारी करते हो, ग्रुप में पता चलता है इस बंदे का टाइम 5:20 है, उसका 5:05 है, उसको पकड़ के भाग जाते हो। सिंगल भागना है। अभी किस राउंड पे भागना है, 320 ट्रैक पे, 320 मतलब 5 राउंड आपको प्रॉपर लगाने हैं। अभी इनको 10 तक ट्रायल टाइमिंग लगाया हूँ, और ये 5 राउंड 6 राउंड भगाने के बाद यहाँ बैठा दिया हूँ। इतना दूर के अंदर इनको 10 मिनट बढ़ेगा, उसके बाद इनका तुरंत जंप कराऊंगा, क्योंकि उसमें पैर उस पर आपको टाइमिंग नहीं दिया जाता। जब भी गर्दनी बाग में आप वहाँ पर की भर्ती होगी उसमें आपको इतना टाइम नहीं दिया। हेलो बच्चे बैठ जाओ, स्ट्रेचिंग को करते हो वहाँ पर, आपको जैसे बैठते हो ना तो एक प्लान है ना, कुछ स्प्रे वगैरह आता है उसको लगा लेना है रनिंग से पहले भी, और मल लेना एकदम एक्टिव रहना, ये ना कि बैठ गए ट्रायल देने के बाद मतलब सब कुछ डाउन हो सकता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया गर्ल्स, गर्ल्स का चलो इनका सेम प्रोसेस अप्लाई होगा, जैसे गर्दनी बाग में आपके साथ होगा सेम होगा, ठीक है। चलिए अरे जंप लग गया, जल्दी से आ जाओ, चार फिर लगा रहा हूँ। नहीं जूता मारूंगा, जूता खोक नहीं पाएगा। चलो बंद कर दूंगा, चार से लगा दूंगा, फिर ना बोलियो। इसने प्रैक्टिस नहीं किया, निकलो तीन चार मिनट, चलो दोस्तों अभी दिखाया मैंने चार फीट क्लियर लड़के लोग। अभी तुमने क्या नोटिस किया, जब ग्रुप रनिंग कराता हूँ तो क्या लगता है, ग्रुप रनिंग सब पकड़ के चला जाता है। यस सर। अभी मैंने सिंगल रनिंग किया, क्या लगा? लगा लग रहा है दोस्तों, आप अगर ग्रुप रनिंग कर रहे हो तो आप एक दूसरे को देख के भाग जाते हो इधर से, अगर आप सिंगल सिंगल भागोगे तो आपका प्रैक्टिस होगा, क्या टाइमिंग है आपको पता नहीं चल रहा, मैं क्या टाइमिंग दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको सिंगल सिंगल प्रैक्टिस करना है दोस्तों। लास्ट के दिन बचे, कितना दिन बचा हुआ? 8-10 दिन। 8 दिन का वर्कआउट चेंज हो गया है अभी, लग रहा है आप लोग सुबह शाम चेंज हो गया है दोस्तों। आप कहीं भी तैयारी करते हो, आप 2 साल से क्या नहीं करते, क्यों नहीं करते हो, 1 साल से 6 महीना से, मगर लास्ट का जो 10 दिन बचता है ना उसका वर्कआउट आपने प्रॉपर कर लिया, स्पेशल बोल रहा हूँ फायरमैन या कोई 1600 मीटर इवेंट कर रहे हो, कोई भी रेस की तैयारी कर रहे हो, तो इसका आप लास्ट जो फिनिशिंग वर्कआउट होता है ना वो कभी किसी को नहीं पता ही नहीं होता कि कैसे भगना है, कैसे फिनिशिंग करना है लास्ट के 10 दिन, ठीक है। तो अभी वर्कआउट यही चल रहा है, ये जो लास्ट का 10 दिन वर्कआउट है ना, 8 दिन 5 दिन 7 दिन का वर्कआउट मैं एक प्लान लाने वाला हूँ, कुछ 2 से 3 दिन से, 2 क्या 1-2 दिन में ला दूंगा, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, जो हमें फॉलो करते हैं दूर से, ठीक है, उनके लिए ये प्रॉपर प्लान होगा। आप थोड़ा सा हार्ड होगा बट बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। विदाउट शूज नहीं करना, बिना जूता का नहीं करना। अब गर्दनी बाग में क्या करना है, आपको जाना कैसे है, वो भी सब वीडियो लाऊंगा, क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है, किन से बच के रहना है कि आपका 1600 अच्छा से आपका भर्ती दे पाए, और बिल्कुल आप अभी आपने क्या है रेस क्या क्या है, 6 राउंड भगाया हूँ बाबू जो टहल ले, 6 राउंड के बाद जिनको 6 मिनट का रिलैक्स 10 मिनट का रिलैक्स दिया हूँ, उसके बाद डायरेक्ट जंप लाया हूँ। वहाँ पे यही होगा क्योंकि बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं, 1600 मीटर आप चट्राल दोगे ना तब थकोगे, ये गारंटी है, ऐसा नहीं है कि नहीं, जी जान लगेगा भागाओगे भागोगे, पैर कट सकता है, तो आपको क्या क्या क्रीम्स वगैरह लगाना है, क्या क्या है वो सब लगाना है,
छोटी छोटी गलतियां से आपको निकलना है। क्या होता है ना, बच्चे लोग तैयारी करते ग्रुप में, उनका टाइमिंग आता है 5:20, 5:10, 4:40, मगर जब सिंगल जब आप दौड़ोगे ना तो आपकी टाइमिंग बिल्कुल वहाँ बढ़ जाएगी, मैं गारंटी लेता हूँ। अभी गर्दनी बाग में क्या होगा आपके साथ, और जो चूना वाला ट्रैक बनेगा ना, आपने टाइमिंग दिया 1600 मीटर का, चूना वाला ट्रैक को ना आपको चूना से आप छोड़ के भागोगे, क्योंकि वहाँ पे तो भागोगे और रास्ता खाली है, 320 के जगह 325 के ट्रैक पर ट्रायल दोगे, 320 पे ट्रायल दोगे, आपका हर 20 से 30 मीटर बढ़ जाएगा, मतलब 7 से 8 सेकंड बढ़ गया, अगर आपकी टाइमिंग 5:15 या 5:22 लग सकता है। ठीक है, तो छोटी छोटी गलतियाँ उसको सीखना है। ठीक है, अभी दोस्तों 4:04 पे लगाऊंगा, तुरंत 4:08 करूँगा, चलो 4:04 के लिए बॉय जल्दी हो जाए, अभी गर्ल्स का भी क्लोज हो गया, जल्दी आओ 4:04 के लिए। ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ हम लोग, चलिए पाइप सीधा, चलिए बताता हूँ, चलो आराम से, यही गलती आपको सीखना है, इन्होंने खेल मारा, यही गलती आपको सीखना वहाँ पे। चलो अच्छा लगा, दोस्तों जब पाइप आपसे गिरता है ना तो आपको नर्वस नहीं होना, वहाँ पे माइंड को कंट्रोल करना है, अगर आप नर्वस हो गया तो आपसे जंप नहीं होगा, पहली बात तीनों चांस में जंप नहीं होगा आपका, तो चांस जैसे माइंड को आप मतलब काम डाउन करोगे, अपने बॉडी को ठंडा करोगे, सोचो कि क्या गलती किया, फिर आप ट्राई करो फुल एफर्ट के साथ, पहला ही जो जंप होगा ना उसमें क्लियर करना कोशिश करो, पहला जंप अगर चार नहीं हो रहा ना तो दूसरा में बिल्कुल गिरेगा, तीसरा में गिर सकता है, पहला ही चांस भी गिरेगा तो आपको मनोबल हाई हो जाएगा। ठीक है, आज आपकी क्लियर करना है गलती जो किया, चल लास्ट चांस आपको दे रहा हूँ, दूसरा तीन चांस, चलो जल्दी आओ, सीखना है इसी बात, चार आपके रेडी है बच्चे, वो भाई सब ये क्या है, दोस्तों हमारे घर में भेड़ आ गए, इनको अंदर ला देना खा जाएंगे सर, खेल दोस्तों तीनों चांस हमारे गंवा चुके हैं, चलिए बाहर निकलिए बच्चे, चार रन लगा रहा हूँ, रेडी हो जाए, चल रंजीत उसको चार रन लगाओ, तुमको प्रैक्टिस नहीं कराएंगे ना, आराम से, बहुत बढ़िया कितना आराम से आएगा, देख वही सीख तेज कर बड़ी, धीरे धीरे उठ जा, उठ जा यही नर्दस है, उड़ जा यही नर्दस है, स्लो बोले आके मारो, तो चलो आराम से बड़ी सी कंट्रोल कर दोस्तों, ये 4 से 5, 4, 10 क्लियर करने वाले हैं, देखिए आज क्या हो रहा है ना, नर्वस क्यों आ रहे हैं, देखिए इसी को सिखाना है आपको, यही सीखना है, ये सब चार क्लियर करते हैं, सब वीडियो में डाला हूँ, यही इसी चीज़ को हम क्लियर करवा रहे हैं, इसी चीज़ को डर यहाँ से भगाना है लोगों को, ये सब क्लियर करते हैं, चार आज चार लड़के तो चार पांच फिर मारते हैं, आज ही मैं वो देख क्लियर है, आज ही मैं वीडियो डाला हूँ 5 फीट का, और देखिएगा शॉट डाला हूँ, आइए अभी देखिए क्लियर है, चलो 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 आराम से यहीं से, चलो चलो माइंड कंट्रोल करो, दो चांस किया, दोस्तों सबके पैर में दर्द आ गया, 1600 मीटर जंप फंसना स्टार्ट हो गया, कुछ नहीं करना, जो पहले दिमाग ठंडा ठोक, पहले क्या बोलते जंप करने से पहले तो बॉडी को ऐसे करेगा, ये हम करेगा सब हो जाएगा, करो तुम करो, पर ऐसे क्या कर रहे, सीखो यहाँ पे सिखा रहे हैं, चल दे चलो चलो, आज इधर से जंप स्पीड करेगा, चलो चलो बॉडी कंट्रोल कर, जंप कर, ओ वाह दोस्तों यही गलती, यहाँ पे जंप पे ना क्लियर होगा, वहाँ नहीं कर पाएगा, फिर वही गलती कर रहा है, बहुत बढ़िया, अब आराम से इसके अंदर आप टच कर जाओ तो आपका चांस गया, यहीं से आप बैक आओ तो आपका चांस है, रंजीत आराम से बच्चा,
छाल मार, यदि लड़के मार देगा दोस्तों देखो मेरा चार तक दिखाया, चलो चार खा जाए बच्चा जल्दी है। मेरा मेन मकसद था दोस्तों इनको जंप क्लियर करवाना, ठीक है चलो आ जाओ बच्चा गुड, आराम से जैसे मारता हूँ छाल में बड़ी है, क्लियर है दोस्तों पैर लग रहा है। हम वहाँ पर सिखाएंगे नहीं दोस्तों वहाँ पर जाकर, ठीक है ये जो गलती कर रहे हो ना आज यहीं पर गलती अपना सुधार करो। पाँच फिर लगाता हूँ आ जाओ, पाँच फिर आ जाओ धन जी, बॉडी को बैलेंस नहीं करोगे नहीं होता यार, यही खेल अच्छी को जस्ट बन जाए जब तक तरीका समझ में आया टक रहा है, चार अट क्लियर करते हो ऐसा चार अट क्लियर करता है कौन कौन, हंस रहे हो ना, यही होगा 16 सेमी ट्रायल के साथ यही होगा, बाहर निकलो सर मेरे से इतना ही जम्प होगा और जंप वहाँ करना इजी लगेगा आप लोगों को, ठीक है दोस्तों सेम प्रोसेस अभी गोला के शुरू, गोला की वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, गोला भी होगा तो सेम प्रोसेस कर वीडियो दिखा रहा हूँ बट दिक्कत हो जाएगा नहीं, गोला भी अभी थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। 16 सेमी ट्रायल दिया, 10 मिनट का रिलैक्स हुआ, डायरेक्ट लाया जंप पे, इनके साथ क्या होगा वहाँ पे इनका पैर जवाब देगा 16 सेमी, वहाँ पे जंप ही नहीं हो पैर में दर्द, तो आपको रखना है कुछ मूव्स वगैरह समझे, हाँ इधर इधर कितना जंप क्लियर करता है, चार आठ प्लस चार दस मतलब ऑलमोस्ट, आज चार आठ क्यों नहीं हो रहा तो फिर वो गलती करेगा रिपीट वहाँ पे, अभी फिर कैसे कर लीजिए हम गए तो वहाँ पे, तो बात समझो वहाँ पे मैं नहीं रहूँगा समझा, मैं उधर जंप के लिए नहीं रहूँगा, चार आठ भी मारता है तो ये सब चार चार के नंबर लेकर नहीं होगा मेरी, जब चार दस प्रैक्टिस करो तो चार कॉन्फिडेंस होना चाहिए दोस्तों, ये गलती बता दिया है ना, ये आप प्रैक्टिस करो, छोटा सा वीडियो था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को जय हिंद दोस्तों, और फैन में बता रहा हूँ कुछ भी दिक्कत हो रही ना आप कमेंट करो मैं हल करवाता हूँ, ठीक है और इनको दिखाऊंगा अभी क्या इनके साथ जो भी है ना आपके साथ अगर वो नहीं है ना जो भी आप कर रहे हो एक रिदम में नहीं कर रहे हो, वर्कआउट जैसे प्लान है वैसे नहीं कर रहे हो, गर्दनी का माहौल नहीं जान रहे हो तो आपके साथ दिक्कत हो सकता है। आपने ग्राउंड देख लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं देखा तो वीडियो पढ़ा यूट्यूब पे और देखो मैंने सिखाया कि वो चीज़ करना है बिल्कुल हो जाएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, आप सभी को जय।